हाई ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माई चैनल. सो आज हम करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये दो ऑपरेटर्स के ऊपर काम करते हैं, राइट? तो इसके अंदर आपके पास छः ऑपरेटर्स हैं जिसकी हेल्प से आप दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन चेक कर सकते हो. तो आप ये देख सकते हो कि दो वैल्यूज़ आपस में कैसे रिलेटेड है, मतलब क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, छोटी है, इक्वल है, नॉट इक्वल है. और जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कुछ भी एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसे कहा जाता है बूलियन एक्सप्रेशन. अब बूलियन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? बूलियन एक्सप्रेशन मतलब जिसका रिजल्ट सिर्फ ट्रू या फॉल्स आ सकता है. तो आपके पास जो आंसर आएगा, अगर तो वो जो भी हमने लिखा है वो सही है तो आंसर विल बी ट्रू, और अगर वो चीज़ नहीं होल्ड कर रही है तो आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स. ठीक है, सो बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब है जिसका रिजल्ट सिर्फ ट्रू या फॉल्स आए. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके आप जो एक्सप्रेशन क्रिएट करते हो, जो भी आप एक्सप्रेशन बनाते हो सी में, ठीक है, वो जो है वो बनती है बूलियन एक्सप्रेशन. ठीक है, ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए और याद भी रहने चाहिए. सो बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब है विच कैन रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स. तो इसका रिजल्ट या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स. सी प्रोग्रामिंग में हम हर नॉन ज़ीरो नंबर को ट्रू समझते हैं और ज़ीरो फॉल्स. तो आप ये कह सकते हो कि ट्रू को हम वन कह सकते हैं, फॉल्स को ज़ीरो कह सकते हैं. अब ऑपरेटर्स हैं क्या? जैसे आपने लिखा फाइव ग्रेटर देन थ्री, तो फाइव थ्री से बड़ा है, हाँ जी, सो दिस इज़ ट्रू. अगर मैं चेक करती हूँ फाइव लेस देन थ्री, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स आएगा क्योंकि फाइव थ्री से छोटा नहीं है. सिमिलर वे अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री चेक करते हो, तो पाँच थ्री से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, मतलब ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो तो ट्रू होगा. सो ये ट्रू होगा क्योंकि ये ग्रेटर है. अगर यहाँ पर थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री लिखा होता तो भी ट्रू ही आता क्योंकि फिर वो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है. तो दोनों में से कुछ भी ट्रू हो जाए, या बड़ा हो या इक्वल हो, तो ट्रू देगा. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है ना तो बड़ी है ना ही इक्वल है, तो फॉल्स आएगा. सो दैट इज़ हाउ हम ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करते हैं. ऐसे ही लेस देन इक्वल टू हो जाता है. अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेटर है वो है डबल इक्वल टू. डबल इक्वल टू में क्या होता है? डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू साइन, जिन्हें हम इक्वालिटी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो जाती है प्रोग्राम लिखते हुए क्योंकि अभी तक हम मैथ्स में इक्वल टू के लिए सिंगल इक्वल टू यूज़ करते आए हैं. तो हम यहाँ पे भी कोड में ऐसे ही लिख देते हैं, पर यहाँ पर जब आपको कंपेयर करना है तो आपको दो बार इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है. और अगर आप देख रहे हो कि दो वैल्यू सेम नहीं है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन लगाना होता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया int n और उसमें मैंने 20 पुट कर दिया, अब ये जो साइन आप देख रहे हो ये सिंगल इक्वल टू है ना. अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ n इज इक्वल टू 15, तो इससे वो ट्रू फॉल्स नहीं देगा, इससे वो n की वैल्यू को बदल देगा. अब वो 20 की जगह पर 15 हो जाएगी. सो इट विल चेंज द वैल्यू. सो इससे आपकी जो वैल्यू है वो चेंज होके 15 हो जाएगी क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है ये असाइनमेंट है. हम असाइन कर रहे हैं, हम 15 को n में स्टोर करवा रहे हैं. लेकिन अगर मैंने लिखा होता n डबल इक्वल टू 15, तो इसका मतलब है कि आप चेक कर रहे हो कि n में जो स्टोर्ड है वो 15 है या नहीं. सो इट विल चेक इफ वैल्यू stored in n is 15 or not. अगर है तो true देगा, otherwise false. इस example में n 20 है, 15 नहीं है, तो ये आपको false देगा. अगर n double equal to 20 लिखूंगी तो वो मुझे true देगा, है ना. So ये main फ़र्क है कि single equal to assignment के लिए होता है, डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए होता है. ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए इज इक्वल टू 10 एंड ए इक्वल इक्वल टू 10. सो यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो आपको इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि ये असाइन करेगा, स्टोर करेगा, जबकि ये
चेक करेगा। ऐसे ही अगर मैं इस कोड में लिख दूं n नॉट इक्वल टू 15 तो ये मुझे ट्रू देगा क्योंकि n तो 20 है, वो नॉट इक्वल टू 15 सही बात है, सो इट विल गिव मी ट्रू। सो नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल टू का साइन आएगा। सो ये आपके 6 क्या हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब इनको यूज़ करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसे इफ स्टेटमेंट कहते हैं कोडिंग में। सो आप उस इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके इस पे काम कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ प्रिंट के साथ करके दिखा रही हूँ। तो वो जो है आपको प्रिंट करेगा 0 या 1, मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ और इस ऑनलाइन कंपाइलर में मैं अपनी तरफ से कोई भी 2 वेरिएबल्स ले लेती हूँ, इंट ए और बी। ए में मैंने पुट कर दिया 20, बी में पुट कर दिया 15, और यहाँ पर लेट से मैंने प्रिंट करवा दिया परसेंटेज डी कॉमा ए ग्रेटर देन बी। सो ए ग्रेटर देन बी 20 15 से बड़ा है, जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या शो करेगा, 1, कि हाँ भाई ट्रू है ना। अगर आप लेस देन लिख के करते हैं तो क्या आएगा, 0। ठीक है, क्योंकि वो नहीं है बड़ा। सो ए लेस देन बी इज़ फॉल्स। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू लिखोगे तो भी ट्रू आएगा। ठीक है, अगर आप डबल इक्वल टू लिखोगे तो फॉल्स आएगा क्योंकि 20 और 15 सेम नहीं है। सो इफ आई राइट लाइक दिस तो मेरे पास फॉल्स आएगा, मतलब 0 आएगा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। अगर आप इसकी जगह पर नॉट इक्वल टू कर दोगे तो ये 1 देगा क्योंकि वो इक्वल नहीं है। सो इसको यूज़ करने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर, जिसे टर्शरी ऑपरेटर भी कहते हैं, और हमारे पास इफ़ एक कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम कंडीशंस चेक करते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली में आपकी कंडीशंस लगती हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि अगर हम ऐसे प्रिंट कराएं तो 0 1 कैसे आएगा। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। तो ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेसिडेंस में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले काम करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर कुछ चेक करना चाहो कि ए बी से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं लिख सकती हूँ a mod b equal to 0। अगर a को b से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है, मतलब a b से डिविजिबल है, तो ये 1 दिखाएगा, अदरवाइज 0 दिखाएगा। सो 20 से 15 तो डिविजिबल, मतलब ये तो डिवाइड नहीं करता क्योंकि इसका रिमाइंडर आएगा 5, और 5 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, सो ये 0 दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ b में 15 की जगह 5 होता तो अभी डिविजिबल है, तो ये 1 दिखाएगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पहले काम करते हैं। तो अगर सेम एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक भी यूज़ हो रहा है, रिलेशनल भी यूज़ हो रहा है, तो पहले अर्थमेटिक सॉल्व होगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा उसके ऊपर रिलेशनल काम करेगा, राइट? सो ये आपको याद रखना है बिकॉज प्रेसिडेंस इज बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैथ्स में बोर्ड मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर प्रेसिडेंस और हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो That is it about relational operators. तो ये 6 operators हैं आपको याद रखने हैं, बाकी सब तो easy है। बस इतना ध्यान रखना कि जहाँ पे भी equality comparison होगा तो double equal to का sign लगेगा, single नहीं लगेगा, right? So I hope आपको ये concept समझ आया होगा। If yes तो भैया लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, है ना, मुझे भी पता लगने दीजिए कि हाँ जी मैम समझ आ गया है। सो फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज़ यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ सी बट C++, जावा, पाइथन, ऑल दीज कोडिंग लैंग्वेजेस यू विल लर्न अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस फॉर प्लेसमेंट एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एज वेल। सो शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर जूनियर्स, जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।